हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां को जाने वाला पानी रोक दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस पानी को मोड़कर कश्मीर और पंजाब को दिया जाएगा। इसके पहले गडकरी ने बुधवार को बागपत में पाकिस्तान को पानी रोकने की बात कही थी। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गडकरी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान को दिए जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकेंगे। इस पानी को पूर्वी नदियों और सप्लाई के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों के लिए भेजा जाएगा। रावी नदी पर शाहपुरा कांडी डैम का निर्माण शुरू हो चुका है। UGH परियोजना हमारे हिस्से के पानी को स्टोर करेगी। सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। गडकरी ने कहा कि इन तीनों नदियों पर बने प्रोजेक्ट की मदद से पाक को दिए जा रहे पानी को अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। वहीं भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में